मम्मी जी, घर का सारा काम तो हो गया है। मैं सोच रही थी कि मैं मायके चली जाऊं क्या? त्योहार है कल और तुझे मायके जाना है। क्यों जाना है तुझे मायके? कौन आया तुझे बुलाने? मम्मी जी, मुझे बुलाने कौन आएगा? भैया भाभी तो उनके ससुराल चले गए हैं। भाभी अपने मायके चली गई है भैया को लेके, और मेरे मम्मी पापा त्योहार के दिन अकेले हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊं उनके पास। अच्छा महारानी जी, तो आप चली जाएंगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? दिवाली में जो मिठाई गुजिया सब बनाना हो कौन बनाएगा? मम्मी जी, गुजिया तो मैंने बना ही दी है, और रही बात मिठाई की, तो आप मार्केट से मंगा लेना। अच्छा, सारा हिसाब तैयार करके रखी है जाने के लिए मायके, और यहाँ हम जो रह जाएंगे अकेले उसका क्या? बड़ी आई, मायके जाना है। अरे जब तेरे भाई भाभी को ही अपने माँ बाप की नहीं पड़ी है तो तू क्यों जा रही है मायके? एक बार कह दिया ना, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। और वैसे भी शादी के बाद सब त्योहार ससुराल में ही मनाने चाहिए, मायके में नहीं, समझी? अब जा रसोई में और अपना काम कर। बड़ी आई, मायके जाना है। जी मम्मी जी, अब तो हद ही हो गई। मेरी तो जैसी कोई इच्छाएं ही नहीं है। इस घर में नौकरानियों के जैसे काम करो, इनकी हमें हाँ मिलाओ, जो ये बोले वो करें, लेकिन उसके बाद भी एक पैसे की इज्जत नहीं है। बस बहुएं तो सिर्फ काम करने के लिए ही होती हैं, हमारी तो जैसी कोई इच्छाएं ही नहीं है। इंसान तो जैसे मैं हूँ ही नहीं, मशीन हूँ मशीन। बस गुजिया बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, खरीद के ले आए हमको इस घर में काम करने के लिए। अब तुम देखो मैं कैसे मनाती हूँ तुम सबकी होली। हेलो, हाँ प्रिया बेटा, सुबह से फ़ोन लगा रही हूँ बेटा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे कुछ नहीं यार मम्मी, सुबह से मेरा मूड खराब हो रखा था। अरे क्या हुआ मेरे बेटा को, क्या हो गया? त्योहार के दिन तेरा मूड क्यों खराब है? अरे क्या बताऊँ मम्मी, इस बार ना मेरी आपके यहाँ पर आने की इच्छा थी कि होली में अपने मायके में मनाऊँ। मायके में तो होली का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन क्या बेटा, तो आ जाना, इसमें मूड खराब करने की क्या बात है, आ जा अपने मायके। कैसे आ जाऊँ मम्मी, मेरी सास जब आने देगी तभी तो आऊँगी ना। मेरी सास ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि कोई नहीं जाना है मायके, बहुओं का त्यौहार तो ससुराल में होता है, और तू चली जाएगी तो यहाँ गुजिया मिठाइयाँ इतनी सारी चीज़ें जो बनानी वो कौन बनाएगा? और दूसरा, होली पे इतने मेहमान आएंगे, उनके स्वागत कौन करेगा? अरे तेरी सास ऐसा कैसे बोल सकती है, तेरी इच्छा की कोई कद्र है कि नहीं? सही कह रही हो मम्मी, यहाँ मेरी इच्छाओं की कोई कद्र नहीं है, यहाँ वही होता है जो मेरे सास ससुर कहते हैं। मैंने कितना बोला कि इस बार मेरी बहुत इच्छा हो रही मायके जाने की, लेकिन बोले कि अपनी इच्छाओं को साइड रख और जाके चुपचाप अपना काम निपटा। अरे बेटा तेरी सास ना एक नंबर की कामचोर होगी, कामचोर। सोच रही होगी बहू चली जाएगी तो घर का काम करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी सास से जरा सा काम नहीं होता, एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाती है। अब आप ही बताओ, साल में एक ही बार तो त्यौहार आता है होली का। अब आपको तो पता ही है कि आपके दामाद भी यहाँ नहीं है अभी, और फिर क्या सास ससुर के साथ में होली खेलूं? इसीलिए सोच रही थी मायके आ जाती तो मन भी लगा रहता, लेकिन सास तो जाने ही नहीं दे रही है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं भेजती है। और हाँ, तेरी सास को साफ साफ बोल देना कि हमने शादी की है, वहाँ बेच नहीं दिया अपनी बेटी को, जो उनके मर्जी के हिसाब से मेरी बेटी चलेगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, रहने दो, फालतू में बात बढ़ेगी, आपका भी त्यौहार खराब होगा और हमारा भी। अरे तू चिंता मत कर बेटा, तू तो आ जा, मैं देख लूँगी तेरी सास को, और वैसे भी मुझे पता था कि तू आएगी, इसलिए मैंने तेरी भाभी को भी मायके नहीं जाने दिया है, तेरी आवभगत के लिए। तू जो बोलेगी तेरी भाभी उसके लिए सब कुछ बना के तुझे खिलाएगी, है ना? चल अब तू ज़्यादा सोच मत और आने की तैयारी कर। मेरी बेटी कोई मशीन नहीं है उनकी, जो उनके हिसाब से चलेगी, बस काम करती रहेगी। मेरी बेटी की भी कुछ इच्छाएं हैं, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं तेरी सास से ज़रूर बात करती हूँ। क्या करूँ मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ जाऊँ क्या? अरे हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, तू आ जा, जो होगा देख लेंगे, अभी तेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा हूँ मैं। ठीक है मम्मी। हैप्पी होली मम्मी जी। अरे पागल हो गई है क्या, कलर भर के लेके आई है। तो क्या करूं मम्मी जी, अब आपने मुझे मायके तो जाने नहीं दिया, तो मैं किसके साथ होली खेलूं? आप ही के साथ तो खेलूंगी ना, बुरा ना मानो होली है। अरे पागल हो गई है क्या, अपनी सास के साथ कौन होली खेलता है? एक तो वैसे भी सुबह से दिमाग खराब है, और ऊपर से अब तू। क्यों मम्मी जी, क्या हो गया? अरे वो प्रिया, सुबह से कब से फ़ोन लगा रही थी, बड़े मुश्किल से फ़ोन उठाई है, इतनी चिंता हो रही थी मुझे।
क्या हुआ मम्मी जी दीदी को, सब ठीक तो है ना वहाँ? अरे क्या सब ठीक है, पागल हो गई है उसकी सास। मेरी बेटी की इतनी इच्छा थी मायके आने की होली में, लेकिन उसकी सास है कि आने ही नहीं दे रही। मैंने भी बोल दिया तू तो आ जा अपना सामान लेके, जो होगा देखा जाएगा। अरे कितने नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, बेचा थोड़ी ना है, शादी की है उस घर में। वो लोग तो ऐसा समझते हैं कि जैसे मेरी बेटी बेटी नहीं, इंसान ही नहीं है, मशीन है, मशीन बस काम करते जाओ काम करते जाओ। अरे उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है क्या जो उनके हिसाब से चलेगी? अरे मेरी बेटी ससुराल में अपने सास ससुर के साथ खेले होली हाँ, कि वहाँ काम करे चार मेहमान आएंगे तो। अरे मायके में बच्चे खुल के खेलते हैं होली, त्योहार है, कौन सा हमेशा के लिए आ रही है, एक दिन की तो बात है। लेकिन उसकी सास इतनी मोटी तगड़ी तो है, क्या हुआ है उसको, एक दिन काम नहीं होता उससे। अरे जब मेरी बेटी नहीं गई थी बहू बनके, तब क्या वो खाती नहीं थी, त्योहार नहीं मनाती थी, जो अब मेरी बेटी के बिना उसका एक दिन भी गुजारा नहीं होता। अच्छा मम्मी जी मुझे एक बात बताइए कि मेरे मम्मी पापा ने आपको कितने में बेचा है? ये क्या बात हुई, कैसा सवाल है ये, पागल हो गई है क्या? नहीं मम्मी जी सच ही तो पूछ रही हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि आपने प्रिया दीदी की शादी करी है, बेचा नहीं है, त्योहार पे उनका अपना हक है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी सास आने नहीं दे रही है, मेरी बेटी मशीन नहीं है, ऐसा है वैसा है, वैसा तो आपने भी मेरे साथ किया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या मेरे मम्मी पापा ने आपसे पैसे लिए थे क्या मेरी शादी के लिए, मुझे बेच दिया है क्या आप लोगों को? ये तो क्या बोल रही है बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मम्मी जी मैंने भी तो बोला था ना कि मुझे भी मायके जाके होली मनानी है अपने मम्मी पापा के घर में, खुल के मैं भी होली खेलना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों से मैं इसी घर में होली में रहती हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी होली ढंग से नहीं खेल पाई। लेकिन आपने क्या कहा, घर में मेहमान आएंगे, घर का काम करना पड़ेगा, ये है वो है, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? फिर दीदी की सास भी तो जो बोले वो सही बोल रही है, और आपने ही बोला ना कि बहू को तो अपने सारे त्यौहार ससुराल में ही मनाना चाहिए, मायके में नहीं। तो फिर दीदी को भी तो उनको सारे त्यौहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए ना, आप दीदी को मायके कैसे बुला सकती हो? बहू तू मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोल रही, तुझे जरा सी शर्म नहीं आ रही? अरे माँ जी मुझे क्यों शर्म आएगी, शर्म तो आपको आनी चाहिए जो अपनी बेटी के लिए अलग और बहू के लिए अलग नियम बनाती हो, दो तरफा खेलती हो माँ जी आप। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मैंने भी आपसे बोला था कि मुझे एक दिन के लिए जाने दीजिए मुझे मम्मी माँ पापा के पास, लेकिन आपने तो नहीं जाने दिया ना। फिर मम्मी आपकी बेटी कैसे आ सकती है अपने मायके? अरे क्यों नहीं आ सकती, अभी मेरी बेटी आ रही है और तो उसी के साथ अच्छे से होली खेलना। मैं क्यों खेलूँ आपकी बेटी के साथ होली? और दूसरी बात आपकी बेटी यहाँ आके कौन सा मेरे साथ होली खेलती है, वो तो अपने सहेलियों के घर चली जाती है और मैं हमेशा की तरह अकेली रहती हूँ आपके साथ इस घर में। आप भी शाम को अपनी सहेलियों से मिलने चली जाओगी और बचती हूँ मैं जो सिर्फ मशीन की तरह इस घर में सारा दिन काम करती रहती हूँ, चाहे त्यौहार हो चाहे त्यौहार नहीं हो। ऐसा नहीं होता है मम्मी, अगर आपने दीदी को बड़े लाड़ प्यार से पाला है तो मेरे माँ बाप ने भी बड़े अरमान से मुझे बड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से उठा के लाए थे मुझे जो ऐसे ही बड़ा कर दिया। उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि उनकी बेटी भी त्यौहार में उनके साथ रहे, उन्हें भी अच्छा लगता है, वो भी मेरा इंतज़ार करते हैं, लेकिन आप मुझे तो नहीं जाने देती। आपने दीदी को तो बोल दिया कि तू आ जा बैग लेके, जो होगा देखा जाएगा, तो क्या मैं भी ऐसे करूँ? मेरे संस्कार ऐसे तो नहीं हैं और ना मेरे माँ ने कभी ऐसा बोला, लेकिन आप अगर यही सिखाते हो तो जैसा आपने बेटी को बोला वैसे मैं भी कर लेती हूँ, अपना सामान लेके चली जाती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तू सही कह रही है बहू, मैं ही भूल गई थी कि तू भी किसी के घर की बेटी है, मेरी बहू है तो किसी की बेटी भी है। अरे तिथि त्योहारों पर तो सबका हक होता है अपने हिसाब से, अपनी खुशियों के हिसाब से मनाने का, और तेरा भी है। तू एक काम कर बहू, तू भी अपने मायके चली जा और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, प्रिया तो आ ही रही है, मैं और प्रिया मिलके घर को संभाल लेंगे, और तू जा अपने मायके में दिल खोल कर होली खेलना। सच माँ जी, क्या मैं चली जाऊँ मायके? अरे हाँ बहू बोल दिया ना कि चली जा, अब क्या लिख के दूँ तुझे? थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली माँ जी। हैप्पी होली बहू, तू जा और आराम से एंजॉय करके परसों तक आ जाना घर, ठीक है? जी मम्मी जी, थैंक यू सो मच। और आप ना दीदी की सास से बात कर लेना, जो बात आपको समझ में आ गई है ना वो दीदी की सास को ज़रूर समझ में आ जाएगी, आखिर वो भी तो अपनी बेटी की माँ ही है। हाँ हाँ बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो गई होली की तैयारियाँ, मैं तो चली अपने मायके होली मनाने, और आप लोग भी होली अच्छे से एंजॉय करना, जी भर के खेलना, साल में एक ही बार आती है, बाकी क्या है घर के काम काज तो ज़िंदगी भर चलते ही रहते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। और कैसी लगी हमारी ये छोटी सी पेशकश होली की, ज़रूर बताना कमेंट करके।
जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई प्यारी सी कहानी के साथ। सबको बाय बाय, हैप्पी होली।